वेलकम बैक स्टूडेंट द टॉपिक ऑफ़ डिस्कशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम क्लास ट्वेल्व जोग्राफी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी सो पॉपुलेशन के यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है पॉपुलेशन मीन्स द टोटल नंबर ऑफ पीपल और इनहेबिटेंट्स इन अ कंट्री और रीजन किसी देश किसी रीजन किसी क्षेत्र में रहने वाले वहाँ के कुल लोगों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं जनसंख्या बोलते हैं एज यू पीपल नो एज यू पीपल नो कि पॉपुलेशन किसी भी कंट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स भी उसे कहते हैं और पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर्स कंट्री आफ्टर चाइना तो वर्ल्ड में सबसे मोस्ट पॉपुलर्स कंट्री का नाम क्या है चाइना और इंडिया सेकेंड नंबर पर है और इंडिया का पॉपुलेशन एज पर टू थाउजेंड वन सेंस वन थाउजेंड ट्वेंटी एट मिलियन है यहाँ पे इंडिया का टोटल पॉपुलेशन कई कॉन्टिनेंट के टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंडियाज पॉपुलेशन इज लार्जर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया पुट टुगेदर इन सभी कॉन्टिनेंट के टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा इंडिया का पॉपुलेशन ही नहीं है बल्कि इन नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इन तीनों कॉन्टिनेंट्स के टोटल पॉपुलेशन को भी अगर ऐड कर दें तो इनसे भी ज़्यादा इंडिया का पॉपुलेशन है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया में जो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है क्या उस पॉपुलेशन का यहाँ के रिसोर्सेस पे एक प्रेशर नहीं पड़ा है या उस अननेसेसरी लिमिटेड रिसोर्स पे अनलिमिटेड uh, पॉपुलेशन के प्रेशर के कारण क्या किसी प्रकार का सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पे uh, देखा गया है हम इन्हीं सब uh, बातों को हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप्स में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे है ना तो इस चैप्टर में या, या फिर हम लोग अभी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दो मुख्य मुद्दों को यहाँ पे एड्रेस करने जा रहे हैं डिस्कस करने जा रहे हैं दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड सेकेंड वन इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन कितना है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है है ना पॉपुलेशन की डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम इन सब डेटास को इन सब इन्फॉर्मेशन को हम इकट्ठा कहाँ से करते हैं हम गैदर कहाँ से करते हैं इसी के लिए जो एक ऑफिशियल सोर्स या एक जो ऑफिशियल प्रोसेस या एक ऑफिशियल सर्वे जो कंडक्ट किया जाता है हम इसी ऑफिशियल सर्वे को क्या बोलते हैं सेंसस कहते हैं तो सेंसस का मतलब क्या होता है एन ऑफिशियल काउंट और सर्वे ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे आपसे एम में सवाल भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सर्वे या सबसे पहले सेंसस कब किया गया तो याद रखिएगा सबसे पहले सेंसस 1872 में किया गया था सबसे पहले सेंसस 1872 में कंडक्ट किया गया लेकिन उसके बाद उसके नाइन इयर्स लेटर फ्रॉम 1881 1881 से लेकर हर दस साल के बाद 1872 में सबसे पहली बार, से, बार सेंसस किया गया लेकिन 1881 से फर्स्ट सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज सेंसस को शुरू किया गया और 1818 18, 1881 से लेकर हर 10 साल के बाद सेंसस को किया है जैसे 2001 के सेंसस के डाटा आपकी किताब में दिया हुआ है फिर 2011 में हुआ है, अगला सेंसस कब होना है 2020 2021 में यहां पे अब जो इसी कड़ी में जो हमारा अगला जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है जनसंख्या के वितरण का मतलब क्या होता हम है हम लोग कई बार बोलते हैं कि सर यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है बिहार में पॉपुलेशन ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन ज़्यादा है बट ऑन द अदर हैंड सिक्किम की बात करें अरुणाचल प्रदेश की बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें एक्सक्लूडिंग आसाम यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम है इस जगह पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पर पॉपुलेशन का कॉन्सनट्रेशन बहुत ज़्यादा है है ना इन सब बातों की जब बात आती है या फिर तो यहाँ पर हम लोग किसकी बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का सीधा सा मतलब होता है कि हाउ पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस अ स्पेसिफिक एरिया हाउ पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस अ स्पेसिफिक एरिया किसी स्पेसिफिक एरिया में रीजन में क्षेत्र में लोग कैसे स्प्रेड हैं लोगों का वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है है ना और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन से पॉपुलेशन का एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है और पॉपुलेशन के स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन से अभी हम लोग आगे के स्टेप्स में आगे के लाइन में डिस्कस करेंगे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के बाद पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज द पैटर्न इज हाईली अनइवन है ना अगर आप अपेंडिक्स वन को देखें हमने इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक एन क्लास ट्वेल्व जोग्राफी के बुक से एक सेंसस से रिलेटेड पॉपुलेशन के डेटा का एक हमने पूरा यहाँ लिस्ट यहाँ पे रखा है आप उसको देखेंगे ध्यान से है ना उस लिस्ट को देखने के बाद क्या पता चलता है कि यूपी महाराष्ट्र बिहार वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट है और इंडिया की आबादी का बहुत बड़ा परसेंटेज इंडिया के इंडिया की आबादी का या इंडिया के पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा परसेंटेज इन्हीं स्टेट्स में आपको दिखेगा यहां पे अगले पेज में फिगर टू पॉइंट वन को आप ध्यान से देखिए यहां पे ऊपर में लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Population. और आपको थोड़ा सा जूम कर रहा इसे आपको यहाँ पे बहुत सारे टाइनी दिखेंगे पे. क्या दिख रहे हैं नीचे देखेंगे यहाँ पे डॉट की यहाँ पे वैल्यू बताई गई है, है ना वन डॉट रेप्रजेंट टू लाख पर्सन क्या वन डॉट रेप्रेजेंट टू लाख पर्सन अब आप इंडिया के पूरे एरिया को ध्यान से देखिए आप नॉर्थ टू साउथ देख सकते हैं आप ईस्ट टू वेस्ट देख सकते हैं आप सेंट्रल पार्ट को देख सकते हैं अब मैं यहाँ पे अलग अलग कलर्स के माध्यम से कुछ स्पेसिफिक एरिया को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मार्क कर रहा हूं आप उन एरिया को ध्यान से देखेंगे आप इस जगह को देखिए इस पूरे रीजन को देखिए इस पूरे रीजन को, को आप देखिए इस पूरे रीजन को आप देखिए क्या यहां पे डॉट्स बहुत ज्यादा है इस रीजन को देखिए यहां पे डॉट्स बहुत ज्यादा संख्या में हैं और इवन उन डॉट्स का कॉन्सेंट्रेशन भी यहां पे ज्यादा दिखता है ठीक है तो ये एरिया इंडिया के उन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में है आप इस एरिया को एक बार देखिए मैं अब यहां पे इनके नया एरिया दिखा इस एरिया को आप देखिए है।, है ना यहां पे आप डॉट्स को देखिए है।, है ना इस जगह पे डॉट्स का नेचर आपको समथिंग क्या दिखेगा डिफरेंट दिखेगा यहां पर है ना अब आप इस जगह को ध्यान से देखिए इन सब जगहों को इन सब एरियाज को इन सभी स्टेट्स को देखिए यहाँ पे है ना तो इस इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के मैप को जो जिसमें वेरियस डॉट्स के माध्यम से हमने पॉपुलेशन के साइज को या पॉपुलेशन को दिखाया यहाँ पे इनको देखने के बाद एक चीज क्लियर किया हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो क्या है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हाईली अन है हाईली अन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट्स लाइक यूपी लाइक महाराष्ट्र लाइक वेस्ट बंगाल लाइक बिहार लाइक कोस्टल एरियाज लाइक डेल्टाइक एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है है ना अगर आप पेंसुलर के डीप इंटीरियर एरियाज को देखें तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी आपको मॉडरेट दिखेगी बट ऑन द अदर हैंड आप हिली एरियाज को देखें आप हिमालयन स्टेट्स को देखें जम्मू कश्मीर को देखें उत्तराखंड को देखें हिमाचल प्रदेश को देखें सिक्किम को देखें है ना असम को छोड़कर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखें वहाँ पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा आपको स्कैटर्ड दिखेगा वहाँ पे बहुत कम दिखेगा वहाँ पे है ना तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के इस मैप को देखने के बाद क्या क्लियर हो रहा है यहाँ पे जो अगले पेज में यहाँ पे डिटेल में रखा गया है अगली पंक्तियों को ध्यान से देखेंगे यहाँ पे अपेंडिक्स फ्रॉम द अपेंडिक्स वन से यूपी महाराष्ट्र बिहार वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश अलोंग विथ तमिलनाडु मध्य प्रदेश राजस्थान कर्नाटका एंड गुजरात इन सभी स्टेट्स को अगर देखें तो इन सभी स्टेट्स में इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का सेवेंटी सिक्स परसेंट पॉपुलेशन रहता है यहां पे लेकिन ऑन द अदर हैंड ये तो इंडिया के सिर्फ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लार्जर स्टेट्स नहीं है इन स्टेट्स में पॉपुलेशन की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है जो हम लोग डेंसिटी वाले सेगमेंट में डिटेल में रखेंगे यहाँ पे बट ऑन द अदर हैंड लाइक जम्मू कश्मीर लाइक like अरुणाचल प्रदेश लाइक like उत्तराखंड सिक्किम ये भी एक ऐसे स्टेट्स हैं या इन सभी स्टेट्स में अगर आप लोग पॉपुलेशन को देखें तो इन सभी स्टेट्स के बहुत बड़े साइज एक्सेप्ट उत्तरांचल बहुत बड़े साइज के बावजूद यहाँ पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन या पॉपुलेशन बहुत ही कम संख्या में पॉपुलेशन बहुत ही कम है आप कुछ यूं कह सकते हैं यहाँ पर अब अगली पंक्तियों में देखें कि यहाँ पे जो हमने अभी इंडिया के जो मैप को देखा इंडिया के मैप को देखने के बाद हमें इंडिया के पूरे एरिया से अलग अलग नेचर का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे बहुत ज़्यादा है कहीं पे मॉडरेट है कहीं पे कम है कहीं पे बहुत ज़्यादा कम है तो इस अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कारण हो सकता है पॉपुलेशन का तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में डिस्कशन में ये बातें बताई गई है कि इंडिया के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स लाइक जोग्राफिकल फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक सोशियो कल्चरल फैक्टर्स लाइक हिस्टोरिकल फैक्टर्स जोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या क्या हो सकता है जैसे रिलीफ हो सकता है जैसे क्लाइमेट हो सकता है जैसे वाटर की अवेलेबिलिटी हो सकती है इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या हो सकता है अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स हो सकता है एम्प्लॉयमेंट हो सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है एग्रीकल्चर हो सकता है अर्बनाइजेशन uh, हो सकता है इन सब चीजों को देखने के बाद यहां पे क्या, क्या क्लियर हो रहा है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और उससे जुड़े हुए फैक्टर्स या किसी स्पेसिफिक एरिया में पाए जाने वाले जोग्राफिकल इकोनॉमिक सोशियो कल्चरल फैक्टर का वहां के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक बहुत क्लोज रिलेशन देखने के लिए मिलता है अगर स्टेट्स की बात करें लाइक नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बात करें कोस्टल स्टेट्स की बात करें ईस्ट कोस्टल प्लेन की बात करें वेस्ट कोस्टल प्लेन की बात करें डेल्टाई के एरियाज की बात करें इन सब जगह पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड दिखता है बहुत ज्यादा में दिखता है इसके अलावा अगर ईस्ट कोस्टल प्लेन और वेस्ट कोस्टल प्लेन के बीच का पेनिनसुलर इंटीरियर वाले एरिया को देखें तो यहां पे पॉपुलेशन मॉडरेटली दिखता है बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है एक मध्यम स्वरूप का दिखता है बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग नॉर्थ हिमालयन स्टेट्स को देखें जम्मू कश्मीर को देखें हिमाचल को देखें उत्तराखंड को देखें सिक्किम को देखें नॉर्थ ईस्टर्न में एक्सेप्ट असम, अरुणाचल प्रदेश इन सभी को देखें तो यहाँ पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्पार्सली है बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है लेकिन कुछ एक्सेप्शनल एरियाज भी हैं जहाँ पर फैक्टर्स बहुत ही एडवर्स हैं नेचुरल फैक्टर्स बोल सकते हैं लेकिन वहाँ पे कुछ बेहतर फैसिलिटीज बाद में प्रोवाइड कराने के कारण वहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे करके वहाँ पे बढ़, बढ़ता हुआ दिखता है पे लाइक like अगर राजस्थान की बात करें राजस्थान में आ, इरिगेशन फैसिलिटीज के डेवलप होने के कारण झारखंड जैसे स्टेट्स में मिनरल्स मिनरल्स की खोज होने के कारण और उसके कारण वहां पे बड़े बड़े फैक्ट्रीज के लगने के कारण है ना वहां पे वो सब एरिया जो पहले स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया था वो धीरे धीरे करके मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया अगर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स और हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत हद तक क्या करता है प्रभावित करता है अगर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर को देखें तो सेटल्ड एग्रीकल्चर की शुरुआत होने के बाद इंडियन हिस्ट्री में सेटल्ड एग्रीकल्चर की शुरुआत होने के बाद अर्बनाइजेशन होने के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद अब बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट के बाद डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉम्युनिकेशन नेटवर्क के डेवलप होने के बाद इंडिया में बहुत सारे एरियाज लाइक यूपी लाइक महाराष्ट्र लाइक बिहार वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश कोस्टल स्टेट्स ईस्ट कोस्टल स्टेट्स वेस्ट कोस्टल स्टेट्स है ना इन सब जगहों पे पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुआ है ना और अगर आप नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को देखें ईस्ट कोस्टल प्लेन्स को देखें वेस्ट कोस्टल प्लेन्स को देखें तो यहाँ पे सिर्फ पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ही ज़्यादा नहीं दिखता है यहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा दिखती है और पॉपुलेशन की डेंसिटी और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण इन सभी स्टेट्स में वहाँ के लिमिटेड रिसोर्स पर बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्स बोले तो लैंड रिसोर्स पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर पड़ने के कारण वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स भी जनरेट हुए हैं लाइक लैंड डिग्रेडेशन सॉइल इरोजन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एंड अदर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑल्सो यहाँ पे है ना अगर हम लोग मेट्रोपोलिटन स्टेट्स की बात करें या मेट्रोपोलिटन सॉरी मेट्रोपोलिटन सेंटर्स की बात करें नॉर्थ स्टेट की बात करें दिल्ली मुंबई कोलकाता बेंगलोर पुणे अहमदाबाद चेन्नई जयपुर है ना ये ऐसे मेट्रोपॉलिटन हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन की डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है है ना और ये सारे मेट्रोपॉलिटन एक बहुत बड़े इंडिया के डेवलपमेंटल जोन्स डेवलपमेंटल हब्स डेवलपमेंटल सेंटर्स माने जाते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण यहाँ पे अर्बनाइजेशन के कारण बहुत यूज अमाउंट में पॉपुलेशन दिखता है और उस पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा कारण रूरल से अर्बन एरिया की और गांव से शहर की और होने वाला एक रूरल अर्बन माइग्रेशन को भी इसके लिए जिम्मेवार माना जाता है अगली कड़ी में जो नेक्स्ट ये हेडिंग है वह है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या का घनत्व डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब सीधा सा होता है कि हाउ क्राउडेड दैट पर्टिकुलर प्लेस या एनी पर्टिकुलर रीजन या एनी पर्टिकुलर एरिया कोई भी रीजन कोई भी क्षेत्र कितना क्राउडेड है वहाँ पे लोगों का कंसंट्रेशन स्पेसिफिक एरिया में कितना ज़्यादा है हम इसे जनरली पर यूनिट एरिया के आधार पे क्या करते हैं इसे रिप्रेजेंट करते हैं और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से हमें क्या पता चलता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन उस जगह के पॉपुलेशन और उस जगह के लैंड रिसोर्स के लैंड रिसोर्स का क्या रेशियो है अर्थात अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इससे हमें क्या पता चलता है वहाँ पे कि वहाँ के लैंड पे प्रेशर बहुत ज्यादा है अगर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है है ना तो वहां वह, 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 इससे भी हमें क्या पता चलता है कि वहां पे वहां के लैंड रिसोर्स पे पॉपुलेशन का उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होगा यहां पे इट हेल्प्स इन गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग इट हेल्प्स इन गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू पे अगर एज पर 2001 सेंसस, सेंसस देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 313 वन परसेंट पर स्क्वायर किलोमीटर है और एशिया में पॉपुलेशन डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एस पर 2001 सेंसस इंडिया का रैंक आफ्टर बांग्लादेश एंड जापान क्या थर्ड नंबर पे है लेकिन ये एक एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे इंडिया की अगर हम इसमें भी अगर रीजन वाइज एरिया वाइज देखें तो इसमें बहुत ह्यूज वेरिएशन दिखता है बहुत बड़े पैमाने पे इसमें डिफरेंस दिखता है एक और अरुणाचल प्रदेश की बात करें सिक्किम की बात करें ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम है और पॉपुलेशन कम होने के कारण यहाँ पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी कम है और पॉपुलेशन की डेंसिटी भी यहाँ पर क्या है बहुत कम है लेकिन एक और वेस्ट बंगाल बिहार आंध्र प्रदेश एंड दिल्ली जैसे ऐसे स्टेट्स भी हैं ऐसे यूटीज भी हैं जहां पे सिर्फ पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है बल्कि पॉपुलेशन की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है लाइक वेस्ट बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश है ना ये हाई डेंसिटीज वाले हैं अगर साउथ से देखें लाइक केरला लाइक like तमिलनाडु है ना यहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत हाई देखने के लिए मिलती है लेकिन अगर कुछ स्टेट्स की बात करें लाइक असम लाइक असम गुजरात आंध्र प्रदेश हरियाणा झारखंड ओडिशा ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं बट मॉडरेट है अर्थात बहुत ज़्यादा से थोड़ी सी कम है यहाँ पे अगर हिल स्टेट्स की बात करें लाइक हिमालयन हिल स्टेट हिमालयन की बात हिमालयन रीजन की बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें इसमें भी एक्सक्लूडिंग आसाम जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी आमतौर पर कम देखने को मिलती है लेकिन अगर यूटी में अगर हम लोग इसको छोड़ दें जनरली अंडमान निकोबार को छोड़ दें तो बाकी यूटीज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई देखने के लिए मिलती है लेकिन अंडमान निकोबार में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है यहाँ पे है ना तो ऊपर वाले डिस्कशन से या ऊपर के पंक्तियों के डिस्कशन से यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें उस पर्टिकुलर रीजन के पॉपुलेशन और लैंड के बीच के रेशियो को बताता है अर्थात ह्यूमन लैंड रिलेशनशिप को बताता है कि वहां पे कि वहां के लिमिटेड लैंड रिसोर्स पे ह्यूमन का प्रेशर बहुत ज्यादा है या ह्यूमन का प्रेशर नहीं है वहां पे है ना तो पॉपुलेशन डेंसिटी या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी सॉरी पॉपुलेशन डेंसिटी से यहाँ पे दो तीन बातें सामने क्या आ रही है यहां पे कि दो प्रकार की डेंसिटी की पर बात कर रहे हैं एक है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एक है एग्रीकल्चरल डेंसिटी है ना फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एग्रीकल्चरल डेंसिटी को ध्यान से समझेंगे यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से यहां पे दो कंसेप्ट उभर कर सामने आ रहे हैं एक आ रहा है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एक आ रहा है एग्रीकल्चरल डेंसिटी अब आप पॉपुलेशन डेंसिटी के इस मैप को आप ध्यान से देखिए इस मैप को देखने के बाद नीचे इंडेक्स में देख सकते हैं यहां पे छह कैटेगरीज बताया गया है कि लेस देन टू हंड्रेड टू हंड्रेड वन टू फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड वन टू सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड वन टू एट हंड्रेड एट हंड्रेड वन टू थाउजेंड एंड अब थाउजेंड यहां पे यहां पे आप इन स्टेट्स को देखिए आप इन स्टेट्स को देखिए यहां देखिए देख सकते हैं आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे देख सकते हैं और यहां पे देख सकते हैं इन सब स्टेट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बहुत ज्यादा दिखेंगी यहां पे, है ना आप यहां पे भी देख, आप यहाँ पे भी देखिए इन सब जगहों को देखिए है ना यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी आपको क्या दिखेगी मॉडरेट दिखेगी लेकिन इन जगहों को देखिए यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी आपको या तो कम दिखेगी या तो बहुत ही